जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हें विश्वास करना होगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सच में हो रहा है। और अदब, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि ना साथ तो तुलसी जी, ये कौन सी कसम है जिसके वजह से आप मोहन जी और गुनगुन को छू नहीं सकती? मोहन की कसम? घर छोड़ते वक्त मोहन ने मुझे कसम दी थी कि मैं उसके परिवार के हर इंसान से हमेशा दूर रहूंगी। तुलसी, तुम्हें जाना है ना तो जाओ, पर कसम है तुम्हें कि मेरे या मेरे परिवार वालों के सामने कभी नहीं आओगी, ना अपनी शक्ल दिखाओगी, ना कभी अपनी आवाज सुनाओगी। कसम है तुम्हें मेरी और उस रिश्ते की जो कभी मुझे जान से ज्यादा प्यारा था, कि तुम्हारी वजह से ना मेरे परिवार का कुछ नहीं होगा, तुम कभी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। कसम है तुम्हें मेरी। और उसी कसम की वजह से ना तो मैं मोहन से बात कर सकती हूँ और ना ही मेरी गुनगुन से। पर आदम, हम दोनों का प्यार एक ही तरफ है। मोहन और गुनगुन से हम दोनों प्यार करते, बहुत सारा प्यार। आप जानती है कि हम मोहन जी से प्रेम करते हैं। हाँ राधा, मैं जानती हूँ कि तुम मोहन से कितना प्यार करती हो। तुम्हें तो अपने प्यार का एहसास बहुत बाद में हुआ, लेकिन जिस दिन तुम पहली बार इस घर में आई थी ना, उसी दिन मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया था मोहन के लिए प्यार। जिसे तुम अपनी श्रद्धा कह रही थी, अपनी भक्ति कह रही थी, वो और कुछ भी नहीं बल्कि मोहन के लिए प्यार है। माफ कर दीजिए तुलसी जी, हमें आपके मोहन जी से प्रेम नहीं। राधा, दिमाग खराब हो गया इस घर में सबका, किसी को पता ही नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत है। अगर दामिनी की शादी मोहन भैया से हुई ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। केतकी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि अब इस शादी को हो जाने दो, नहीं तो सासू मां बहुत दुखी हो जाएंगी। और हम अजीत, हम खुश है या नहीं इस बात की किसी को परवाह है? उस दिन पता है माँ ने क्या कहा था? इनडायरेक्टली वो हमें घर से जाने को कह रही थी। केतकी, सासू मां उस समय गुस्से में थी, तुम्हें भी पता है कि सासू मां वैसी नहीं है। उस समय वो नहीं बोल रही थी, उनका गुस्सा बोल रहा था। जब पता है मामा वैसी नहीं है, पर दामिनी तो वैसी है ना अजीत। जैसे ही दामिनी इस घर की बहू बनेगी ना, दिन पक्का वो हमें इस घर से बाहर निकाल देगी, देख लेना। अरे तब की तब देख लेंगे हम केतकी, इनफैक्ट हमें अभी ही देख लेना चाहिए।
इससे पहले कि वो नौबत आए हम अभी ही इस घर से चलते हैं। हम इस घर से नहीं जा सकते। पर क्यों? क्योंकि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये साफ साफ लिखा है कि बेटियों को भी बेटों जैसे अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बराबर का हक है। इतकी तुम करोगी तो क्या करोगी? हाँ, अगर मान लो कल को दामिनी तुम्हें कह देती है कि तुम निकल जाओ इस घर से, तो तुम अपने परिवार वालों से लड़ोगी क्या? मोहन भैया और सासू माँ को कोर्ट तक लेकर जाओगी? अरे केतकी, हमारी बात को समझो। हम है ना, हो सकता है कि हमारे पास तुम्हें रखने के लिए सब महल जैसा घर ना हो, ये दुनिया के ऐशो आराम ना हो, लेकिन हम इतना वादा तुमसे जरूर करते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे। इतनी मेहनत करेंगे कि तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी ना हो और हम तुम्हें हमेशा खुश रख सके। पर अजीत, हम वैसे खुश नहीं रह पाएंगे ना। जिस कंफर्ट, जिस लाइफस्टाइल से मैं यहाँ जी रही हूँ वो मुझे पसंद है और इस पर मेरा हक है, और मेरे हस्बैंड होने के नाते ये तुम्हारा भी हक है। वो दामिनी और उसकी माँ सालों से यहाँ रह रहे हैं ये सोचकर कि उन्हें एक ना एक दिन सब कुछ मिल जाएगा, और अगर हम इस घर से चले गए ना अजीत, तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम इस घर से नहीं जाएंगे, एंड दैट्स फाइनल। केतकी, अरे मेरा बच्चा, मेरा केतकू, मेरा बाबू। राधा, मैं सारे रास्ते में बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी वक्त मेरे बारे में बात करने का नहीं है। अब तक तो दामिनी को पता चल गया होगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, और वो शादी करने के लिए जल्दी कर रही होगी। अभी हमें एक काम करना, हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना। पर हम क्या करें तुलसी जीजी, कैसे रोकेंगे शादी? हमारे पास तो कोई तरकीब ही नहीं है। बस एक ही रास्ता है, एक पत्नी अपना सुहाग, अपना मंगलसूत्र, अपना सिंदूर किसी के साथ नहीं बांटती। एक पत्नी अपने पति और अपने बीच का प्यार किसी और के साथ नहीं बांटती। लेकिन आज आज मैं अपना सुहाग, अपना मंगलसूत्र, अपना सिंदूर सब कुछ तुम्हारे साथ बांटूंगी राधा। वो कहते हैं ना, पति पत्नी के बीच में किसी तीसरे इंसान के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन आज मोहन और मेरे बीच की जगह मैं तुम्हें देती हूँ। अपने पति का प्यार सिर्फ एक पत्नी के लिए होता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।